दोस्तों वीडियो का SEO सेट करना। आप सभी ने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि YouTube पर SEO की वीडियो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन आज जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस तरीके से शायद किसी ने ना किया हो। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर आप अपने YouTube चैनल को ग्रो करना चाहते हो ना दोस्तों, SEO का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपकी वीडियो रैंक में भी पहुंच जाती है। और हाँ, एक बात और आपको बता दूं, अगर आप SEO के द्वारा अपनी वीडियो को अपलोड करते हो ना, तो आपकी जो वीडियो है ना वो एक घंटे तक ना तीसरी रैंक पर रहेगी। यानी कि मान लीजिए आपने अपना टॉपिक चुना हाउ टू इंक्रीज फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम, तो आपने वो सर्च किया, सर्च करने के बाद में ना अभी आपने वीडियो डाली है, तो वो वीडियो आपके तीसरे नंबर पर रैंक करेगी एक घंटे तक। तो दोस्तों करेगी, पक्का करेगी, और ये सब SEO से होता है। अगर आप SEO अच्छे से सेट कर लेते हो तो आपकी वीडियो रैंक में भी पहुंच सकती है, यानी कि फर्स्ट वाली रैंक पे आ सकती है, और वहां पर पहुंच गए तो दोस्तों चांदी चांदी है, पैसा ही पैसा है, यानी कि आपकी वीडियो बस ये समझ लिए लाइफ टाइम तक वो चल रही है। दोस्तों अब SEO कैसे सेट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन प्लीज़ आप अच्छे से देख लेना। तो दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं YouTube ओपन कर लो, आपने YouTube ओपन कर लिया। YouTube ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आप कोई वीडियो को अपलोड कर रहे हो, ठीक है, अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी आपका टॉपिक है वो YouTube सर्च बॉक्स में अलग से टैब ओपन करके YouTube सर्च बॉक्स में डालना है, ठीक है, जो भी आप सर्च करना चाह रहे हो। मान लीजिए मैं सर्च कर रहा हूँ हाउ टू डाउनलोड GTA 5 या फिर हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन, ठीक है, मैंने सर्च किया। इसके बाद में दोस्तों जो भी वीडियो सबसे ऊपर आ रही है, आप सबसे पहले इंग्लिश में सर्च करो हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन, आप इंग्लिश में सर्च करो। जो भी इंग्लिश वाली वीडियो, इंग्लिश वाला टाइटल ऊपर आ रहा है सर्च में, उसका टाइटल थोड़ा सा कॉपी करो, अपने टाइटल में पेस्ट कर दो। उसके बाद आप एक हिंदी वाला टाइटल सर्च करो, क्या यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं या फिर ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी वीडियो सबसे ऊपर आ रही है उसका थोड़ा सा टाइटल कॉपी करो, फिर अपने पेस्ट कर दो। फिर ये आप इस तरीके से दोस्तों आपके दो टाइटल और दो टैग आपके मिल चुके हैं, चाहे तो आप इनको टैग में भी लगा सकते हो, आपने जो कॉपी करा है वहां पर आप नीचे टैग में भी यूज कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आपने टैग लगा दिए, मतलब अभी नहीं लगाए, अभी आपने बस टाइटल वाले टैग लगाए, जो आपने टाइटल लिखा है ना कॉपी पेस्ट करके, वही टैग अभी आपने अपने टैग बॉक्स में लगाया है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपका टाइटल है ना वो तो हो गया, पूरा हो गया, उसमें दो टाइटल इजीली आ चुके हैं, तो उसके बाद में आपको वो डंडे से होते हैं ना, वो डंडा लगा करके लिखना है आगे अपने हिसाब से, आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे कि लिखा कि हाउ टू ऑनलाइन अर्न मनी, आप आगे लिख दीजिए YouTube से पैसे कैसे कमाएं, या फिर अपने हिसाब से आप कोई भी टाइटल एक अलग से टाइटल जोड़ दीजिए, 2021 डाल दीजिए, या फिर अपने चैनल का नाम डाल सकते हैं। और आपको पता भी है कि 100 से ज़्यादा आप वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, आप मतलब कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते 100 से ज़्यादा, इस तरीके का वहाँ पर कुछ है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में अब आपको क्या करना है, जब आप डिस्क्रिप्शन में आओगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको हैशटैग लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लगाना, 5 लगाना, बस इससे ज़्यादा मत लगाना, और एक हैशटैग अपने चैनल का जो लगाओ, जैसे यूट्यूबर बाबा जी, मैं अपने चैनल का लगाता हूँ। इसके बाद में अर्न मनी ऑनलाइन, अर्न मनी, फ्री मनी, यूट्यूब मनी, इस तरीके का आप लगा सकते हो, जो भी आपका टॉपिक है, गेम का टॉपिक है डाउनलोड गेम्स, या फिर हाउ टू डाउनलोड GTA 5, इस तरह का टैग आप लगा सकते हो, या फिर ओनली GTA 5, GTA San Andreas, खाली GTA, इस तरह आप लगा सकते हो। फिर इसके बाद में हैशटैग के नीचे आप क्या करोगे, जो आपका टाइटल है ना, जो भी आपने टाइटल लिखा है उसको पूरे को कॉपी करोगे, जो आपका टाइटल बन के तैयार हुआ है वीडियो का, कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद आप क्या करोगे, उसके नीचे हल्का सा स्पेस मतलब डैश दोगे, फिर थोड़ी जानकारी दोगे कि भाई वीडियो में आपने क्या बताया। उसके बाद आप वीडियो से नीचे आप उसके बाद थोड़ा नीचे चलोगे डिस्क्रिप्शन में ही, मतलब एंटर करते करते, फिर उसके बाद में आप वहाँ पर 10 नंबर तक लिखोगे, मतलब 1 नंबर डालोगे, जो भी आपका टॉपिक उससे रिलेटेड लिखोगे। मान लीजिए आपका टॉपिक है हाउ टू ऑनलाइन अर्न मनी, ठीक है, सबसे पहला नंबर 1 डाल के हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, फिर नंबर 2 यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, फिर नंबर 3 फ्री ऑनलाइन अर्न मनी, नंबर 4 ऑनलाइन अर्निंग ऐप, नंबर 5 बेस्ट ऐप फॉर मनी, और नंबर 6, मतलब इस तरीके से आपको बहुत सारी लाइनें लिख देनी है जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। इससे क्या होगा, आपका SEO और भी अच्छा रहेगा। इसके बाद में दोस्तों आपका आता है
नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नीचे आते हैं आपके टैग शो मोर करके, तो आपको अगर टैग रिकमेंड चाहिए, मतलब कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े, तो मैं आपको एक विड आई क्यू का सजेशन दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जैसे जैसे लिखता जा रहा हूँ तो मेरा विड आई क्यू मेरा एस ई वो बताता जा रहा है कि आपका 50 में से 46 है, 40 है, इतना है, या फिर मतलब इस तरीके से वो बता रहा है, यानी कि अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आपको विड आई क्यू नहीं लगाना, तो मैंने आपको बता रखा है ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप टैग वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप चाहे तो टैग कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं विड आई क्यू से बताने वाला हूँ। आप क्या करोगे, विड आई क्यू डाउनलोड कर लोगे। अगर आपको विड आई क्यू डाउनलोड नहीं करना था तो आई बटन पे क्लिक करो, मैंने विड आई क्यू की वीडियो डाली हुई है, वहाँ से आप इजीली देख सकते हो। तो विड आई क्यू अपने यूट्यूब में लगाने के बाद, ऐड करने के बाद, वो इजीली आपकी जो वीडियो है उसको बता देगा कितना ज़्यादा चल रही है, कितना नहीं चल रही है, ठीक है। और इसके बाद में आप क्या करोगे, अलग से टैब ओपन करके सर्च बॉक्स में डालोगे हाउ टू ऑनलाइन अर्न मनी, जो भी टॉपिक है, उसके बाद में विड आई क्यू बता देगा कि इसका वॉल्यूम रेट कितना है, इसके टैग कितनी बार सर्च किए जा रहे हैं, इसके इंप्रेशन, इसका टॉप चैनल, किस बंदे ने इस वीडियो को सबसे अच्छा बना रखा है, वो सब चीज़ आपके सामने विड आई क्यू दिखा देगा। और जो भी सबसे पहली वाली वीडियो होगी जिसपे सबसे ज़्यादा व्यू होंगे, उस वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो विड आई क्यू साइड में आपको उसके टैग ओपन करके दिखा देगा कि भाई इस बंदे ने ये वाले टैग लगा रखे हैं। और उन टैग में जो भी टैग आपको अच्छा लगे, कोई भी टैग, और उन टैग में आपको ये भी दिखाई देगा कि कौन सा टैग आपका रन कर रहा है, सबसे ज्यादा रन कर रहा है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे मतलब 28, 29 तक इसमें टैग लगभग होते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप टैग कॉपी करिए, नोटपैड में जाइए, कॉमा लगाइए, फिर उनको कॉपी करिए और अपने टैग बॉक्स में आकर के पेस्ट कर दीजिए इजीली। जब आप पेस्ट कर दोगे, टाइटल बिल्कुल फिट कर दोगे, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही लिख लोगे, आपका एसईओ आप जब देखोगे विड आई क्यू आपका दिखाएगा 50 में से 46, 47, 48, 50 में से 50 भी दिखा सकता है, वैसे तो 46 वगैरह तक ही दिखाता है। और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ना व्यू रिपोर्ट, आप व्यू रिपोर्ट में करके देख सकते हो कि भाई मेरा जो ये 46 दिखा रहा है तो कहाँ पे कमी हो सकती है। तो वहां पर आपको बहुत सारा दिखाएगा, टैग वॉल्यूम वगैरह, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, काउंट वर्ड वगैरह, इस तरह से दिखाएगा। तो वहां से आप चाहे तो ठीक कर सकते हो। वैसे 46 दोस्तों बहुत होता है, 45 तक भी बहुत होता है आपका एसईओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप अपना एसईओ चेक कर सकते हो कि हमने ठीक किया है नहीं किया है। और हाँ, अगर विड आई को चलाना नहीं आता तो मेरे को बता दो, मैं फिर से दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपका एसईओ सेट हो चुका है, आपको लगानी है अब थंबनेल। आपको थंबनेल दोस्तों ऐसी बनानी है कि जो हाई रिस्क थंबनेल हो, हाई रिस्क से मतलब समझते हो ना भाई, बंदा ना बिल्कुल देखते क्लिक कर दे भाई ऐसा क्या है इस वीडियो में, अच्छी थंबनेल लगानी है। तो ये चीज भी आपका विड आई क्यू बता देगा। अब आपको समझ में आ गया होगा विड आई क्यू का कितना अच्छा रोल है एसईओ में, और एसईओ आपका कितना मदद करता है आपकी वीडियो बढ़ाने में। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ी वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसने वीडियो स्किप नहीं की ना, उसको इजीली आराम से समझ में आ गया होगा। और अब आप अपने वीडियो का एसईओ अच्छे से सेट करो और अपने चैनल को ग्रो करो। और अगर आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड या फिर कुछ भी फॉलोअर लाइक वगैरह बढ़ाने हैं तो ये वीडियो शो हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हो, और आई बटन पर क्लिक करके विड आई क्यू भी देख सकते हो। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।